आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि चित्र में एक स्थायी चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव दिखाए गए। इन ध्रुवों के बीच में एन लपटों वाली एक कुंडली जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, विराम अवस्था में कुंडली में धारा आई प्रवाहित करने पर, ध्यान रखना आई है ना, तीन करने पर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली के तल क्रमशः क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर हो तो कुंडली पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको टॉर्क लगाना है किस वाली कॉइल पे। और क्या दे रखा है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, और आपके पास जो कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, करने पर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। ध्यान रखना कुंडली का जो आपका कॉइल का प्लेन है वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण बनाता है। तो आपको टॉर्क बताना कितना लगेगा, है ना, बल आघूर्ण। तो अपन जानते हैं जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है एन नंबर ऑफ टर्न्स आई ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, ये बेसिक फॉर्मूला है आपके पास। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी यानी कि नॉर्थ और साउथ के लिए सिंपल डायग्राम से देख ले एक बार। जैसे मान लिया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। तो आपको जो एंगल थीटा दे रखा है वो ये दे रखा है, जो आपके पास ये स्थिति है इसका तल ले अपन, है ना, तो आपको ये कोण दे रखा है थीटा। इस फॉर्मूले में जो साइन थीटा आ रहा है यानी कि जो थीटा एंगल होता है किस किस के बीच में होता है, एरिया सदिश और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर ये थीटा एंगल पर है आपके पास और आपके यहाँ पर जो दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, ठीक है, ठीक। और इसमें एक और चीज जो दे रखी है कि कुंडली के तल क्रमशः क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, यानी कि कुंडली का तल इस तरीके से है ना क्षैतिज और एक बार इस तरीके से ऊर्ध्वाधर ऐसे, तो आपको टॉर्क बताना है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस वाले के लिए देखो तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो है ना, तो साइन जीरो तो जीरो हो गया और यहाँ पर जो एंगल बचेगा वो आएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो आप जो टॉर्क लगेगा इसमें हो जाएगा एन आई क्षेत्रफल दे रखा ए है ना, और बी मैग्नेटिक फील्ड है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ से टॉर्क आ जाएगा आपके पास एन आई ए बी कोस थीटा, तो ये आपका राइट आंसर है। और तो ये कौन से ऑप्शन में आपके पास, ऑप्शन नंबर एक, ये आपका सही आंसर होगा। ओके थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।